अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद मोहसिन टीम ओवरसीज़ की फील्ड गाइड में एक नए टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि फ्रेम स्ट्रक्चर और ब्रिक स्ट्रक्चर हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड में क्या डिफरेंस है और किन इलाकों में कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाता है। व्यूअर्स, उस वीडियो में, उस टॉपिक में हमने आपको एक और चीज़ के बारे में बताया था कि अगर आप अपना घर फ्रेम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन मेथड के ऊपर बना रहे हैं तो आप ब्रिक्स की जगह ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो स्पेसिफ़िकली ब्लॉक्स के ऊपर होगी। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कितने किस्म के ब्लॉक्स अवेलेबल हैं और किन सिचुएशंस में किन ब्लॉक्स को यूज़ किया जा सकता है। आज के टॉपिक में जिन ब्लॉक्स के ऊपर फोकस करेंगे वो हमारे CLC ब्लॉक्स होंगे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हम आपको विज़िट करवाना चाह रहे हैं वहाँ पर हम CLC ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, और हम इस वीडियो में आपको बताएँगे कि CLC ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनकी डायमेंशनस क्या होती हैं, इनको लगाने का टेक्निकली तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले मैं ब्रीफली आपको दूसरे भी ब्लॉक्स बताता चलूँ। ये नॉर्मल कंक्रीट ब्लॉक्स हैं जो कि ऑन साइट हमारे यहाँ बनाना बड़ा कन्वेंशनल मेथड है इसका, सांचे या मोल्ड्स यूज़ करके नॉर्मल सैंड क्रश और सीमेंट को मिक्स करके ये वाले ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं। इनकी आप जैसा देख सकते हैं सरफेस इतनी फाइन नहीं निकलती क्योंकि ये कन्वेंशनल मेथड है, टिपिकल मेथड है इनको बनाने का। जबकि अब अगर आप मेरे सामने देख सकते हैं ये CLC ब्लॉक्स हैं और इनकी आप सरफेस देख सकते हैं कि ये क्योंकि ये प्लांट पर बनाए जाते हैं, इनकी जो मिक्सचर है वो भी डिफरेंट होता है, उसमें सीमेंट और फ्लाई ऐश और फोमिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इनकी सरफेस बड़ी नीट निकलती है। CLC ब्लॉक्स के पाकिस्तान में जो पायनियर्स हैं, जो इनको मैन्युफैक्चर करते हैं, वो बनू मुख्तार हैं। वेलकम अली हैदर साहब। अच्छा अली साहब, आज का हमारा टॉपिक क्योंकि CLC के ऊपर है तो हम CLC को हम चाहेंगे कि आप हमें पहले बेसिकली बता दें कि CLC ब्लॉक्स एक्चुअली है क्या है और इसका रॉ मटेरियल क्या है और ये किस चीज़ से बनता है। CLC सेलुलर लाइट वेट कॉन्क्रीट, और इसमें सीमेंट स्लरी प्लस कुछ फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, उनको मिक्स करके इसे तैयार किया जाता है। इसकी जो फिनिश है वो बहुत ज़बरदस्त है, मोर्टार के अंदर हम सेविंग कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग प्रोडक्शन भी और ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन भी एक एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ही पोल्यूशन वगैरह के बड़े ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम्स हैं। आज का भी अगर एयर इंडेक्स देखा जाए तो लाहौर के अंदर हम मेरा ख्याल दुनिया के दूसरे जो है ना वो पोल्यूटेड सिटीज़ के अंदर आते हैं। तो ये हमारा एक कौमी फ्रीज़ा भी है कि हम इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। अच्छा, जब हम ब्लॉक्स की बात कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में आते हैं नॉर्मल कंक्रीट ब्लॉक्स। आपको पता है जो हमारे यहाँ नॉर्मल ट्रेंड है, कन्वेंशनल मेथड है, वहाँ पे लोग कंक्रीट ब्लॉक्स यूज़ करते हैं और वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैटर करती है। लेकिन क्या इस CLC के केस में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैटर करेगी, क्योंकि ये तो फ्रेम स्ट्रक्चर मेथड के अंदर यूज़ होता है सिर्फ एज अ नॉन लोड बेयरिंग। एक्चुअली ये लोड बेयरिंग प्रोडक्ट नहीं है, ये पार्टीशन मटेरियल है, पार्टीशन के लिए ये यूज़ होता है। बस हमें इतनी इसकी स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि कोई अगर आपका लेटरल लोड आए या कोई इम्पैक्ट लोड आए तो वो उसको ये बेयर करे। अदरवाइज़ इसके अंदर सच एज इसने लोड तो लेना नहीं होता, सिर्फ ये पार्टीशन वॉल्स होती हैं, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रही होती। मुझे बताइएगा कि हीट इंसुलेशन और साउंड इंसुलेशन हमारे यहाँ एक काफ़ी कॉमन फिनोमेना है, इसके मामले में ये हीट इंसुलेशन और साउंड इंसुलेशन के मामले में CLC ब्लॉक्स किस तरह फ़ायदेमंद साबित होते हैं कंपेरेटिवली टू नॉर्मल ब्रिक्स या जो नॉर्मल कंक्रीट ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली हीट और साउंड दोनों जो है वो वेव्स में ट्रेवल करते हैं। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस शेप का है और उसमें ऑलमोस्ट 70% एरेटेड है, और उसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है कि मीडियम क्लियर नहीं मिलता। जब वेव्स ट्रैवल करती हैं तो वो मीडियम क्लियर ना होने की वजह से एक सरफेस से दूसरे सरफेस में ट्रांसफ़र नहीं होती, तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की हीट इंसुलेशन प्लस साउंड इंसुलेशन हमें इसमें मिलती है। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने कि एक ब्लॉक मेसनरी हो रही है। इस CLC ब्लॉक्स में हमारे पास क्या ऑप्शन है विड्थ को रिड्यूस करने की, और ये किन साइज़ में अवेलेबल है? मोहन साहब, ये हमारे पास 4 इंच थिकनेस, 6 इंच थिकनेस और 8 इंच थिकनेस में अवेलेबल है। और इसकी जो लेंथ और हाइट वाली डायमेंशन हैं वो सेम रहेंगी विड्थ के, सारी विड्थ के जी वो सेम रहेंगी, वो 2 फुट 8 इंच वो सेम रहेगा, जो थिकनेसेस हैं वो 4 इंच 6 इंच और 8 इंच में अवेलेबल है। अच्छा, इसका एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि जो नॉर्मल हमारे जो ब्रिक वर्क है और ब्लॉक वर्क है वो तो सैंड सीमेंट मोटर यूज़ करके लगता है, ये जो CLC ब्लॉक्स हैं इसके लिए मोटर किस चीज़ का बनता है? एक्चुअली इसमें ड्राई बॉन्ड जिसको हम टाइल बॉन्ड कहते हैं वो हम रिकमेंड कर रहे होते हैं कि
कि उससे इसका जो है वो बॉन्ड बनाएं, टाइल बॉन्ड यूज़ करें इसके। यानी सीएलसी ब्लॉक्स लगाने के लिए हमें सैंड एग्रीगेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको 100% टाइल बॉन्ड के साथ ही इसके जॉइंट्स लगाएं, लेकिन अगर आप बीच में सीमेंट भी मिक्स करना चाहें तो 3 से 4 जो टाइल बॉन्ड के बैग होंगे उसके साथ आप 1 पूरा सीमेंट का बैग जो है वो मिक्स करेंगे। इसमें मोर्टार बहुत कम लगता है, 5 mm की सिर्फ आप एक लेयर लगाते हैं नीचे मोर्टार की या वो जो हम टाइल बॉन्ड, जबकि नॉर्मल हमारी कन्वेंशनल ब्रिक में ये 10 mm से भी ज्यादा चली जाती है, एक्सीड कर जाती है। अगर हम इस एरिया की बात करें, यहाँ पे अगर ब्रिक मैसनरी हम कर रहे हैं तो आप देखेंगे देयर विल बी नंबर ऑफ जॉइंट्स, यहाँ बहुत सारे जॉइंट्स बनेंगे और उस सारे जॉइंट्स के अंदर बहुत सारा हमारा मोर्टार लग रहा होगा। अच्छा, यानी कि जो मैं आसान लफ्जों में समझ सकूँ कि ब्रिक मेसनरी में हमारे पास फेयर फेस एक साइड पे आ रही होती है, इस केस में हमें दोनों साइडों पे तकरीबन फेयर दोनों साइडों पे फेयर फेस मिल रही होती है, प्लस जॉइंट्स हमारे बहुत कम बन रहे होते हैं, यहाँ से भी हम मोर्टार की सेविंग कर रहे होते हैं, प्लस फेयर फेस होने की वजह से हम प्लास्टर के अंदर बहुत ज़्यादा सेविंग कर रहे होते हैं। ब्रिक मेसनरी के केस में क्या होता है, एक साइड फेयर फेस आती है, दूसरी साइड रफ होती है। अब वो जो रफ साइड है, अगर मैं सिंपल उसमें एक बात करूँ तो उसमें 6 सूतर से लेके 1 इंच तक मसाला चढ़ता है और दूसरी साइड पे वो कहते हैं कि 4 से 5 सूतर में कवर हो जाएगा। इस केस में आप 3-3 सूतर यानी कि 1/4 इंच में आपकी दोनों साइडें कवर हो जाएंगी और एक पूरी साइड का प्लास्टर आपको वो सेविंग में चला जाएगा। आप इमेजिन करेंगे अगर आपकी पूरी बिल्डिंग का एक साइड का प्लास्टर सेव हो गया, मीन कि आपकी प्लास्टर के अंदर 50% जो कॉस्ट है वो सेव हो गई है। यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि इसकी जो आपने कंड्यूटिंग करनी है वो बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह ब्रिक मेसनरी में कर रहे होते हैं, इसमें भी वैसे ही आप पूरी जरी लगाते हैं और अपनी कंड्यूटिंग को, इलेक्ट्रिक की प्लम्बिंग को कंप्लीट करते हैं और आप उनमें प्लस्तर की चाल बनाते हैं। अली साहब मुझे बताइएगा, इसके प्लस्तर में लोगों के जहन में कुछ बातें होती हैं कि जी अगर आप ब्लॉक मेसनरी कर रहे हैं तो आपने स्टील मैश यूज़ करना है, जिसकी वजह से कॉस्ट प्लस्तर की बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, लेबर की भी और मटेरियल की भी। इटसेल्फ स्टील मैश बड़ा एक्सपेंसिव है, क्या इस केस में हमें जिस तरह की सर्विस नज़र आ रही है हमें स्टील मैश की ज़रूरत है? नहीं मोहसिन साहब, सच है हमें स्टील मैश की कोई ज़रूरत नहीं है, इस सारे सरफेस के ऊपर हम डायरेक्ट प्लास्टर अप्लाई कर देंगे। इसका जहाँ कॉलम के साथ, अगर आपको मैं दिखाऊं थोड़ा सा, कॉलम के साथ जिस जगह पे जॉइंट आ रहा होगा इस जगह पे हम स्टील मैश लगाएंगे, वो भी स्टील मैश इस वजह से लगाते हैं कंक्रीट प्लस यहाँ पे एक ये जॉइंट बन रहा होता है ताकि आफ्टर प्लास्टर क्रैक अपेयर ना हो, तो हम कंक्रीट के साथ इस ब्लॉक के इस वाले फेस के ऊपर मैश लगा देते हैं। क्रैक के साथ मेरे जहन में एक चीज़ आई कि जब हम ब्लॉक मेसनरी कर रहे होंगे तो क्या हमें बेहतर नहीं है कि हम अपने कॉलम्स के साथ कुछ कुछ फासले पे एल ब्रैकेट्स या सपोर्ट्स यूज़ कर लेंगे, ये जॉइंट इनका परमानेंट हो जाए? सच है, वो जो ब्रैकेट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो एक लेटरल सपोर्ट के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, क्रैक का उसके साथ कोई फंक्शन नहीं है, वो टिथिंग बन जाती है, लेकिन प्लस मैश इसके ऊपर ज़रूरी है, मैश लगा के आप फर्दर इसको जाना आगे चलो। अली साहब, इस प्रोडक्ट का कोई डिसएडवांटेज है आपकी नज़र में? मोहसिन साहब, सच है ऐसा कोई डिसएडवांटेज है नहीं इस प्रोडक्ट का। आपने यहाँ देखा होगा कि जब हम यहाँ पे इसको आपके पास ऑफलोड करते हैं तो हम प्रॉपर हमारे पास वुडन पैलेट्स होते हैं, उसके ऊपर ये स्ट्राइक हुआ होता है और हमारी प्रॉपर टीम्स आती हैं वो यहाँ पर अनलोड करके आपको दे के जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जब इस जगह से आप शिफ्ट करें इसकी इंस्टॉलेशन के लिए तो इसकी टैकलिंग जो है वो बड़े प्रॉपर अंदाज में करें, जैसे कन्वेंशनल हम ब्रिक्स ला के व्हील बैरो में ला के फेंक देते हैं तो उस तरह ना करें, बड़े एहतियात से आराम से उठा के काइंडली मैसन तक जो है ना ये रखा जाए। व्यूअर्स, ये सीएलसी ब्लॉक्स का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, अपनी आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसका कॉस्ट कंपैरिजन। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो सीएलसी ब्लॉक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। For the time being, Allah Hafiz.